ये दूसरे प्रकाश के आधार पे देखते हैं।
इनको दिन में सूरज की जरूरत पड़ती है, रात में लाइट बैटरी की जरूरत पड़ती है, नहीं तो ये अंधी है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि बाहर भी अंधेरा, आंख बंद करो तो अंदर अज्ञान रूपी अंधेरा, अंदर भी अंधेरा है। तो कहते हैं कि स्वप्न जागृत दोनों देखा, भूल भुलैया फरमा। कहते हैं कि जीव का जो स्वप्न जागृत सुसुप्ति, तीन अवस्था में हमारा जीवन बीत रहा है। कहते हैं जागृत में हम कारोबार पे लगे रहते हैं, बाल बच्चे के पालन पोषण से लगे होते हैं, पढ़ाई धंधा व्यापार बिजनेस से जुड़े होते हैं जब हम जागृत अवस्था में होते हैं। और स्वप्न में वो भी एक भूल और भ्रम का ही स्थान है, क्योंकि सोने के समय बाकी समय में हमारा मन यहाँ होता है, दोनों आंखों के बीच में आत्मा और मन की बैठक है। नींद के समय ये मन नीचे उतरता है, आत्मा नहीं उतरते, मन ही नीचे उतरता है नींद के समय, और वो कंठ स्थान में आ जाता है गले तक। कंठ स्थान में कौन है? आदिशक्ति माया। कंठ स्थान जो है एक गला, कंठ स्थान का जो मालिक है वो आदिशक्ति दुर्गा, कहते हैं माया जिसने सृष्टि बनाया है। तो ये मन जो है माया के साथ मिलके कुछ निर्माण करता है, उसी को स्वप्न कहते हैं। हमारे प्रारंभ के अनुसार और कोई जो हम रात दिन सोचते हैं उस पर वो निर्माण होता है। तो वो गले तक हमारी जो मन है ना, नींद में नीचे उतरता है मन, जो चेतन नीचे उतर के कंठ स्थान में आते ही स्वप्न चालू हो जाता है, और वहां से और नीचे उतर जाए हृदय स्थान में तो वो निद्रा सुसुप्ति अवस्था है। हमें ये भी पता नहीं चलता कि हम कहां पड़े। हम बाल बच्चे में रहते हैं, घर मकान में रहते हैं, खाट पे पड़े होते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं, सब कुछ होता ही नहीं, खाली घोर निद्रा में होता है, स्वप्न भी नहीं होता है। तो वो सुसुप्ति हृदय स्थान में मनुष्य जब उतर के नीचे आ जाता है तो उसको जो है कि सुसुप्ति अवस्था में चला जाता है, घोर निद्रा में चला जाता है, और फिर कंठ स्थान में आते ही स्वप्न चालू हो जाता है, फिर यहाँ आते ही दुनिया का रूप हो जाता है, मेरा मेरा। अब नींद में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, कुटुंब परिवार भी नहीं रहता है, और कहते हैं खेती गृहस्थी भी नहीं रहती है, नौकरी धंधा भी नहीं रहता है, सब जब मन निद्रावस्था में आ जाता है तो कुछ भी नहीं, सुसुप्ति में तो सब चला जाता है। तो कहते हैं इस तीनों अवस्था में जीव भूल और भ्रम में, जागृत में भी भ्रम में है, क्योंकि जिस काम के लिए परमात्मा ने ऐसा सुंदर समय दिया अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, परमात्मा के भक्ति के लिए, उसे तो हम दूर है। तो कहते वो भी भ्रम में चला जा रहा है, सपना तो भ्रम है ही है, झूठ है ही है, और सुसुप्ति में भी हमारा समय वृथा चला जा रहा है। तो कहते हैं ये तीन अवस्था में हमारा समय चला जा रहा है। तो वही आप इशारा देते हैं कि संत महात्मा क्या करते हैं, भाई ढाई तीन घंटे की रोज बैठक बनाओ, भजन बैठो ढाई तीन घंटा रोज, प्रेम प्यार से दोनों आंखों के बीच में ख्याल को टिका के सुमरन करो, और जब आप दोनों आंखों के बीच में सुमरन करते हैं तो आपका ख्याल धीरे धीरे ऊपर आता है, और एक दिन नौ दरवाजे छोड़ के दर्शन में आ जाती है, आपकी तीसरी आंख खुल जाती है, आपको अंदर आत्मा भी नजर आएगा, जो गुरु नाम दिया आपके अंदर बैठा है वो प्रकट हो जाएगा, गुरु की कृपा से वो ज्योति और नाद प्रकट हो जाता है, अनाद नाद जो हमारे दसवें दरवाजे में झुंकार दे रहा है वो प्रकट हो जाता है। वो तो कहते हैं तब आप आंख बंद करो, आपके अंदर उजाला, क्यों अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो गया, प्रकाश प्रकट हो गया, तो अंदर में भी उजाला, बाहर में भी उजाला, तो ये अंधेरा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। कहते आप बाहर भी देखो तो उजाला ही नजर आएगा, आंख बंद करो आपके अंदर भी उजाला ही नजर, प्रकाश अज्ञान रूपी प्रकाश, जब आपके अंदर ज्योति प्रकट हो जाती है
प्रकाश प्रकट हो जाता है, आंख बंद करो तो घट में भी उजाला, ज्ञान रूपी प्रकाश और बाहर भी प्रकाश। तो कहते ये अंधेरा हमेशा के लिए दूर हो जाता है जब आप दसवें दरवाजे में आ जाते हैं, आपकी आत्मा सीमेंट के नौ से दसवें में आ जाते हैं, आपका शरीर यहाँ तक सो जाता है और दसवें में आपकी आत्मा पहुंच जाती है। तो जब आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है तो बाहर भी उजाला अंदर में भी उजाला, ये भ्रम हमेशा के लिए दूर हो जाता है। समय था जब ये सारी आत्माएं परमात्मा की गोद में थी, अनामी में थी, सब परमात्मा ही थी, वहां न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, सब आत्मा का एक ही स्वरूप है। सब आत्मा में परमात्मा में जो प्रकाश वही आत्मा के अंदर प्रकाश है, सारी आत्मा परमात्मा थी। लेकिन जब से काल ने जीवों को मांग के लाया लोक में और जीव को ये शरीर रूपी पिंजरे में दसवें दरवाजे में कैद कर दिया, दसवें दरवाजे यहाँ डाल दिया, यहाँ पे आत्मा बैठी है। और जब से शरीर में आई और निरंजन मन रूप में आप अंदर बैठ के कर्म करवाने लग गया, कर्म करके जीव मलिन हो गया, ये तीन अवस्था में कैद हो गया, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, और ये भूल भरम में पड़ गया कर्म करके। कहते ये अपने आप को भी भूल गया, अपने घर को भी भूल गया, क्योंकि महात्मा कहते भाई तुम्हारा ये देश ये काल और माया की नगरी है, ये सुख दुख का स्थान है, ये तुम्हारा देश नहीं, वो सतलोक सत्खंड तुम्हारा देश है, वो परमात्मा का देश ही तुम्हारा देश है, लेकिन मानता कौन है। कहते इतना भ्रम में फंस गया है कि विश्वास होता नहीं। तो वही आप इशारा देते हैं इस तरह से जीव मन के दायरे में कर्म करके 84 लाख शरीर में जाके दुख भोगता है। देखो इस मानव शरीर हमसे जुड़ते ही आत्मा मानव शरीर में जाती है, नहीं निचले शरीर में जाके गिर जाती है, पेड़ पौधों के शरीर में, कीड़े मकोड़े के शरीर में और पशु पक्षी के शरीर में जाके उसमें क्या हमें सुख और शांति मिल सके। हम पहले भी एक कहानी बताते थे, एक बुजुर्ग गुरु नानक के शिष्य थे, उसने गुरु नानक से उपदेश लिया था लेकिन उपदेश लेके सपने में भी गुरु से प्रेम प्यार नहीं किया, फिर बाल बच्चे में लिप्त हो गया, बड़ा धनी परिवार था और एक 4 बैल थे घर पे, खेती काफी सैकड़ों एकड़ जमीन थी और इसी बाल बच्चे के प्रेम मोह में लिप्त हो गया और कुछ खाने पीने लगा, शराब भी पीने लगा, मांस भी खाने लगा और कभी भजन सुमरन सपने में भी नहीं किया। अगर गुरु से ससुर के बराबर भी प्रेम प्यार हो तो लेने के लिए गुरु आता है, लेकिन इसने कभी सपने में भी गुरु को याद नहीं किया। नाम तो ले लिया, देखा देखी भगत को कभी नहीं चढ़ते, जो एक को देख के दूसरा आता है, दूसरे को देख के तीसरा आता है, उसको रंग नहीं कर। भक्ति तो हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए कि भाई इस जन्म में उस मालिक से मिलना है, ऐसा प्रेम प्यार और विरह हमारे अंदर होवे तो भक्ति होती है, नहीं तो भाई वो लिया उपदेश तो हमने ले लिया, घर वाले ने लिया तो दूसरे ने ले लिया, तो ऐसा देखा देखी। अब वो बेचारा मलिन आत्मा अब मरने के समय उसको वही कुटुंब परिवार से ममता होने कारण से कहते जहाँ आशा था नवासा, अब जहाँ प्रेम प्यार होता जहाँ आशा होती वहां उसे पैदा होना पड़ता है। तो मरने के समय वही कुटुंब परिवार के ऊपर मोह लेके ममता में मरा, फिर उसी कुटुंब परिवार के में पैदा होना। तो कहते हैं कि एक गाय के पेट में बछड़ा बना, मानव शरीर को नहीं मिलना,
बैल बन के पैदा हो। तो वही घर वाले लोग जो है वही उनके लड़के लोग ने उसको पाला। जब धीरे धीरे वो 3 साल का उम्र हो गया तो वो मार पीट के हल में बांधने लगे, बैलगाड़ी भी सिखाने लगे, जैसे किसान सिखाते हैं बैल को, नए बैल को। उनको क्या पता मेरा बाप है, और मार पीट के चलाते थे। तो एक दिन भाई मर्दाना और गुरु नानक एक पहाड़ी के नीचे बैठे हुए थे। भाई ये अपना गुरु नानक कुछ कह रहे थे और मर्दाना लिखता था, वाणी कहते थे और लिखता था। तो गुरु नानक हंसने लगे। तो मर्दाना कहता, महाराज ऐसी कोई बात भी नहीं आई, आप अकेले हंस रहे हैं, क्या बात है? तो कहते हैं, क्या कहना मर्दाना, एक आत्मा जो मुझसे नाम लिया था वो उद्धार होने के बजाय नीचे शरीर में गिर गया, बैल के शरीर में आया। तो मर्दाना कहता, महाराज आपने तो उपदेश दिया, उसका उद्धार करो। कहते भाई चलो, अगर वो सुनेगा तो जरूर उसका उद्धार करेंगे। तो दोनों मिलकर के आए। वो बड़ा रईस का घर, 4 बैल थे उसके पास। तो उसके बच्चों ने गुरु नानक को बड़ा इज्जत दिया और अच्छी तरह खान पर बुला के बिठाया, चाय काफी ला के दिया। फिर वो आने का कारण पूछा तो गुरु नानक ने कहा, नहीं मुझे आपका बैल देखना है, क्योंकि इसमें एक इनकी आत्मा है, तो हमें आपका बैल देखना है। बोले ठीक है, ले गए। जान 4 बैल बदले हुए थे, बड़े बड़े बैल थे। तो जिसमें इनकी आत्मा थी उसको जाके कान में गुरु नानक कहते, भाई अब तो आएगा अब तो आएगा। ये कहता है, महाराज मेरा जोड़ी वाला को ताकत कम है और उसका भार मैं अपने ऊपर लेके क्या काम चलाता हूँ, अगर मैं ही आ गया तो इनको बड़ी तकलीफ पड़ेगी, इनका काम रुक जाएगा। तो देखो, अब बैल के शरीर में आत्मा गई है, फिर भी मोह और प्रेम प्यार दुनिया से मोह जो है कम नहीं हुआ। और महात्मा तो जबरदस्ती नहीं करते, अगर वो तैयार होता था तो वो शरीर छुड़ा के इसको मानव शरीर में भेज देते, लेकिन जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, फिर छोड़ के गए। अब बैल का शरीर जो है समय 18 साल का होता है, जो बच्चा स्वस्थ हो तो। तो कहते हैं कि बाद में वो शरीर में गया, उसने कुछ दिन में छूट गया। तो उसी दरवाजे में, उसी कुटुंब परिवार के ममते से शरीर छोड़ने से वो दरवाजे पे कुत्ता बन के पैदा हुआ। तो बाद में कुछ वर्ष के बाद में भाई मर्दाना पूछता है, महाराज अब उस आत्मा की क्या हालत हो गई? कहते हैं, क्या करना मर्दाना, तभी बैल था अभी कुत्ता बना है। तो कहते महाराज अभी खाना पीना बराबर नहीं मिलता है, बड़ा तकलीफ होता है उस शरीर में, अभी आपकी बात माने का। बोलते भाई चलो उपदेश दिया है अगर मानेगा तो जरूर उसका उद्धार करेंगे। फिर दोनों मिल के आए और चाय पानी पीने के बाद में थोड़ा दूर गए, कुत्ते को बुलाया, कुत्ता आया। तो ये उनके कान में बैठ के गुरु नानक पूछते, उस आत्मा से पूछते, भाई अब तो आएगा? तो वो आत्मा जवाब देती है कि महाराज जहां होता है लोग दरवाजा खुला करके चले जाते और मैं घर के राखन में रहता हूँ, चोरी वोरी का डर होता है, अगर मैं ही चलाऊं तो हो सकता है चोरी वीरी हो जाए। देखो कुत्ते के शरीर में गया लेकिन ममता कुछ कम नहीं हुआ, मोह ममता। महात्मा फिर छोड़ के चले गए। तो जैसे घर के कुत्ते को घर में घुसने की आदत होती है, तो एक माई ने बाजरे की रोटी बना के कुछ ढक के गई थी, एक तवे के ऊपर छोड़ के चली गई थी पानी लाने के लिए बाहर। तो इस कुत्ते को बास आ रहा था रोटी का, ये अंदर घुस गया। और क्योंकि घर के कुत्ते को आदत होती है घर में घुसने, गया और देखा कोई नहीं और जो तवे पे रोटी थी उसको नीचे गिरा के खाने लगा। इतने में माई जो है वो मटका लेके आई, देखा अंदर कुत्ता रोटी खा रहा है, बड़ा गुस्सा आया। तो बाहर मटका रख दिया, लकड़ी लेके दरवाजे पे खड़ी हो गई। कौन उसकी
मोबिल अब वो जब भागने लगा उसने गुस्से में मारा उस बेचारे की कमर की हड्डी टूट गई। अब एक 15-20 दिन उसे तकलीफ में है क्योंकि अब उसको देखने वाला कौन। 15-20 दिन उसे तकलीफ में बेचारा उसका वो शरीर भी छोड़ गया। तो बाद में वही कुटुंब परिवार के ऊपर मोह ममता में मरने से अभी उसी कुटुंब परिवार में ये सांप बन के पैदा था। देखो नीचे जा रहा है नीचे मोह माया नीचे चला जा रहा है जबकि मानव शरीर से नीचे नहीं जाना चाहिए लेकिन मलिन आत्मा सांप बन के पैदा। जब वो घर में ही रहता था पुराने घर पहले जमाने में गुरु नानक का आज 600 साल पीछे की बात है तो जब कभी नातू को तो देखने का ख्याल आवे बाहर आवे तो जो लकड़ी लेके मारने को दौड़े उसको तो अंदर था कि मेरे लोग हैं। कभी नातू पोतों को देखने का ख्याल आवे बाहर आवे तो जो लकड़ी लेके मारने को दौड़े। तो एक दिन घर के सामने खेती में ये लोग कुछ घास निकाल रहे थे और घर में एक छोटे बच्चे को घाट पे लिटा के गए थे और वो रोने लगा घर में कोई नहीं इससे रहा नहीं गया मेरा नातू रो गया और वो बिल से बाहर आया और उस बच्चे को खिलाने लग गया। वो बच्चा उसको पकड़ के खेलने में चुप हो गया तो वो उसको खिला रहा था। इतने में एक माई मटका लेके पानी के लिए अंदर आई तो देखते ही बच्चे के पास सांप हाथ पे चढ़ के बैठे और डर के मारे मटका विटका फेंक के चिल्लाते भागी गई बच्चे को सांप ने काट लिया। इतने में 2-4 आदमी जो बाहर खेतों में काम करते थे लकड़ी लेके भाग आए और ये तो अपने नातू के प्रेम में इतना मस्त हो गया था कि दूसरा सब कुछ भूल गया था कि मेरा शरीर कैसा है सांप खाए मस्त हो गया था। वो लोग आए और धड़ा बड़ा उसको मार ही नहीं उसका वो भी शरीर चला गया। तो देखते हैं तो नातू को उसने कुछ नहीं किया था। तो बाद में उसी कुटुंब परिवार के ऊपर ममता से मरने से फिर उसको जहां करते हैं कि पनाला बाथरूम का पानी स्नान किया हुआ पानी बहता है वहां एक खड्डा खोद के रखे थे जहां पानी जमा होता था तो काला हो गया था पानी। उसी खड्डे में एक कीड़े के शरीर में आया सफेद चावल जितना बड़ा कीड़ा बन के पैदा हुआ। तो एक दिन गुरु नानक की काफी उम्र हो गई थी और एक दिन मर्दाना पूछता है कि महाराज उस आत्मा का क्या हुआ तो कहते क्या करना मर्दाना कुत्ते से सांप बना अब सांप से जो है कि जो बाथरूम का खड्डा है स्नान करने का उस पानी में कीड़ा बन के पैदा अब कीड़े के बाद पेड़ बन के पैदा हो जाए बैलगाड़ी पीछे जा रही थी तो कहते कि महाराज दया करो अब तो जड़ शरीर में चला जाएगा अब दया करो नहीं तो खुद आने वाला नहीं और इनकी भी उम्र हो चुकी बोलते भाई चलो आखिरी टाइम। फिर दोनों मिलके आए बच्चों ने बड़ी स्वागत किया और बाद में आप पीछे की तरफ गए जहां पानी जमा रहता था वहां जाकर के गुरु नानक ने एक लकड़ी लेके उस कीड़े को बताया वो चावल जितना बड़ा छोटा कीड़ा सफेद था उसको बाहर निकालो तो उसने निकाल करके बाहर जमीन पे रख दिया तो गुरु नानक ने ध्यान करके उसको मार दिया माने रगड़ के मार दिया और उसको मानव शरीर में भेज दिया क्योंकि मानव शरीर के बगैर मुक्ति नहीं। अगर किसी को मुक्त होना है तो संतों की दया से मानव शरीर ही मिलता है और मानव शरीर में फिर संतों के शरण में जाके और उनके बताए हुए रास्ते में चल के ही मुक्त होना है। कहते कोई भी महात्मा निचले शरीरों से डायरेक्ट स्वर्ग वैकुंठ नहीं भेज सकता महात्माओं की कृपा होती तो मानव शरीर मिलता है और इसमें भक्ति करके ही संतों के शरण में जाके ही जीव मुक्त होता है। तो कहते फिर उसे मानव शरीर में भेज दिया। तो इसीलिए आप इशारा देते हैं कि जीव इस तरह से मन के दायरे में कर्म करके 84 लाख शरीर में फेंकता है और ये दुखी हो जाता है। कोई भी शरीर में जावे इसको कभी सुख और शांति नहीं मिलती है।
हम घोड़े कतरे के शरीर में गया तो सुख ज्यादा दुख कम होता है। और एक आत्मा अगर मानव शरीर में पाप ज्यादा पुण्य कम किया, अपना जीवन बिगाड़ लिया, पाप ज्यादा पुण्य कम किया, तो ऐसे आत्मा अगर कुत्ते के शरीर में भी गया तो उसको दुख ज्यादा सुख कम होता है। ऐसे ही कुत्ते हैं जो गली गली भटकते हैं, कोई रोटी का टुकड़ा नहीं डालता, दरवाजे पे आते तो पत्थर और लकड़ी लेके मारते, भाई क्यों? उसके कर्म ही ऐसे। कहते भाई जीव मानव शरीर में जो भी कुछ कर्म करता है उसका एक चिन्ह उसको 84 किसी भी शरीर में जाओ मिलता है। तो कहते ये बड़ा श्रेष्ठ समय है, शरीर है, ये नर नारायण शरीर है, नर से नारायण बनने का समय है, परमात्मा से मिलने का समय है। तो कहते बाकी लेखे में नहीं आता है, तो इसीलिए महात्मा कहते हैं इस तरह से जीव मन के दायरे में कर्म करके स्वार्थ के लिए, कुटुंब परिवार के लिए, भेंट के लिए कैसे कैसे कर्म कर बैठता है और 84 में जाके दुखी हो जाता है। जान जाए दुख ही दुख है, मुसीबत ही मुसीबत है, तकलीफ ही तकलीफ है, इस तरह से आत्मा दुखी हो जाती है। जी भटक भटक नर सप्लाई करने के लिए
बनिया लोग कंट्रैक्ट पे होते हैं, पांच पांच साल का होता है, माने जो उनका पांच पांच साल का कंट्रैक्ट होता है जो मिलिट्री कैंप वालों को सप्लाई करते हैं, सो तेल साबुन और राशन। तो एक बनिया था और ये रोजाना उसी एक ही दुकान पे जाते हैं, दूसरा दुकान तो रहता नहीं, तो इन सब से प्रेम प्यार हो जाता है। तो सावन सिंह महाराज भी उसी बनिए के यहाँ से सामान लेके आते थे और एक सिपाही था वो बेगर बाल बच्चे का शादी शुदा नहीं था और उसके कुटुंब परिवार में भी शायद कोई था या नहीं, लेकिन वो शादी शुदा नहीं था। तो वो क्या करता था, उसका जो पेमेंट मिलता था तो वो बनिए के पास जमा करता था, क्योंकि पहले बैंक बैंक तो थे नहीं, विश्वास के ऊपर सब होता था। बड़ों के पास भी कुछ लोग ले जाके पैसा जमा कर देते थे, जब मांगते थे तो देते थे, उनकी नियत भी ऐसी होती थी। आज से 100-150 साल पीछे लोगों में नियत अच्छी थी, विश्वास के ऊपर ही व्यवहार चलता था, लेकिन आज तक कहां है, आज का जमाना कैसा हो गया। कहते हैं कि दूसरे देखते ना, नियत तो चली गई लेकिन दूसरे का भला भी नहीं देख सकते। एक इंसान अगर मेहनत करके आगे बढ़ता है तो उसको पैर पकड़ के पीछे खींचने की सोचते, भाई भाई का ही विरोध करता है, ये भी एक जमाना ही है। तो कहते हैं कि जो वो मिलिट्री का सिपाही वो बनिए के पास जमा करता था कि महाराज आपका 5 साल पूरा होने के जाने के समय हमारा पैसा दे के जाना, तो ऐसे ही जमा करके रखता था। तो एक दिन क्या हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जमाना था, इस हमारे भारत हिंदुस्तान पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार था और मलाया मलेशिया वाला मलाया आ गया ब्रिटिश से छीनने के लिए भारत को, वो अपना अधिकार जमाने के लिए आया। अब ब्रिटिश और मलाया भी युद्ध चालू हो गए, उसमें हमारे हिंदुस्तान मिलिट्री भी जाती थी। तो उस समय ये लोगों ने क्या किया था, ये सिपाहियों को एक बंदूक और एक घोड़ा देते थे, घोड़ी या घोड़ा बैठ के लड़ाई भी जाने के लिए। तो सिपाही को एक दिन घोड़ा मिलता था, कभी घोड़ी मिलती थी, जो भी आ जाता था नंबर उस पे जाना पड़ता था। तो एक दिन वो सिपाही को घोड़ी मिली और युद्ध बहुत जोर पे था, तो टैंक भी चल रहा था और आवाज से नाम और घोड़ी के अंदर क्या परिवर्तन आया कि इस सिपाही को अकेला ही लेके विरोधी पक्ष में चले गए, बहुत रोकने के बावजूद भी नहीं रुके। अब विरोधी पक्ष में अकेला चले के गए तो छोड़ेंगे, एक दो गोली सिपाही को मार दिया, दो गोली घोड़ी को मार दिया, दोनों गिर गए। अब मरने के समय वो सिपाही को ख्याल आता है कि देखो मैं मरता नहीं, मेरे मौत का कारण घोड़ी बनी, पहले तो घोड़ी के ऊपर उसको दुख हुआ कि मैं मरता नहीं था, इसने मुझे मार, बेमौत मार, घोड़ी के ऊपर दुख हुआ, और दूसरा मेरा 2000 रुपए उस सिपाही के बनिए के पास रह गए। तब तक उसका 2000 रुपया, 2000 बोला तो आज 2 लाख के से ऊपर वो बनिए के पास रह गया और यही आशा लेके सिपाही मारा। तो कहते जहां आशा तहां वासा। तो बाद में वो बनिए का 5 साल का कोर्स पूरा हो गया, यहाँ बनिया ने बहुत देखा, बड़ा अच्छा आदमी था वो, किसी का हड़प में नहीं चाहता था लेकिन कोई आया ही नहीं, वो तो देना चाहता था लेकिन उसके कोई बाल बच्चे का भी पता नहीं, बाल बच्चा तो थे नहीं, कुटुंब परिवार का भी पता। तो बाद में इसका 5 साल का ये पूरा हो गया तो सब सामान जोड़ करके गांव में आया और गांव में उसने दुकान खोला और घर बनवाया और घर बनवा के 1.5 साल के बाद उसकी शादी हो गई बनी छोटा होता रही। और शादी होने के बाद में एक वर्ष 2 वर्ष में उसको लड़का पैदा हुआ, तो उस एक ही लड़का बोल के उसमें बहुत अच्छा तरह प्रेम प्यार से काफी उम्र में बच्चा पैदा हुआ था, तो उसको अच्छे तरह से पढ़ाया लिखाया 10वीं क्लास में
और जब 16 साल की उम्र हुआ तो शादी कर दिया लड़के। शादी करते ही जैसे घर में बहू आई, ये बीमार पड़ गई, मलेरिया की चपेट में आ गया। पहले जमाने में मलेरिया प्लेग बड़े जोर से फैलते थे, डॉक्टर या नर्सिंग होम ऐसे नहीं सुविधा नहीं थी ना, बैल लोग कितना देखेंगे, गांव गांव हवा में हवा जैसे आता था तो गांव छोड़ जाना पड़ता था। तो ये लड़का भी मलेरिया की चपेट में आ गया, उल्टी पेचिस चालू हो गया और उसने बहुत दवा किया करवाया बनिए ने और बहुत इलाज करवाया लेकिन ठीक नहीं हुआ। एक महीने तक उसके दिन दिन हालत बिगड़ते चली गई और एक दिन उसकी जान जाने की नौबत आ गई। अब वो घर में औरत बेचारी जिस दिन से पैर रखा उस दिन से बीमार पड़ा। अब वो हमेशा रोते रहते थे बेचारे। तो बाद में एक दिन ये मरने का समय आ गया, एक मुसलमान वैद्य आया, दवा दिया और बनिया ने खोल के पिलाया। वो जाने लगा तो बनिया ने जेब में हाथ डाला तो 2 रुपए थे, वो दे दिया। वो 2 रुपए देते ही वो चला गया तो ये हंसने लगा लड़का। तो पिता को बड़ा आनंद सुख हुआ कि भाई महीने में कभी हंसा नहीं, आज हंस रहा है। तो बोले क्या बेटा तेरे को आज ठीक है, अच्छा है? बोलता हाँ मुझे पूरा अच्छा हो गया, अब मेरी जाने की टाइम आ गई। अब मुझे अंदर की आंख खुली हुई, मुझे दिखाई दे रहा अंदर की। तो वो लड़का कहता है कि अब मैं जा रहा हूं और घर में वो रो रही हो कौन है? तो पहले वो बताता है कि देखो तुम्हारे पास 2000 रुपया में छोड़ के जाने के कारण से मैं तुम्हारा लड़का बन पैदा हुआ, मैं वो सिपाही हूँ। तुम्हारे यहां मैंने जो पेमेंट रख के छोड़ा था उसको वसूल करने के लिए आज मैं तुम्हारा लड़का बन के आया। 2 रुपए बाकी थे, आज आपने वो भी निकाल के दे दिया, मेरा कर्जा पूरा हो गया, मैं जा रहा हूं। और घर में वो जो रो रही वो कौन है? वो घोड़ी है। मैं नहीं पता था, उसने मुझे विरोधी पक्ष में ले जाके बेमौत तड़पा तड़पा के मारा। अब मैं जा रहा हूं और उसको जिंदगी पर तरफता हुआ छोड़ के अब मैं जा रहा हूं। और बोल के वो चला गया, मर गया। तो 15-20 साल के बाद में अब बताओ वहां पे रहने के समय स्वामी श्री महाराज जी से उनका परिचय हुआ और बाद में स्वामी श्री महाराज आके महाराज बने व्यास के। और 20 साल के बाद में एक दिन जलंधर सिटी में गए थे तो वो बनिया मिल गया, पुराना दोस्त थी। तो आज कहने लगा महाराज एक टाइम हमारे घर में आके जाओ, हम लोग का पुराना प्रेम और प्यार है। महाराज ने मना नहीं किए, कर सके गए। तो बनिए ने अच्छी तरह से खाना पीना बनवाया और जब दोपहर के समय खाने के लिए बैठे तो घर में जो कोई नया मेहमान आता था तो औरत रोती थी बेचारी, क्योंकि वो पति जब घर में आते ही वो बीमार पड़ा और मर गया 1 महीने में। तो कोई भी मेहमान विमान आता था तो उसको दुख होता था, वो रोते रहते थे घर में। तो महाराज जैसे खाने को बैठे तो अंदर औरत की कोई जवान औरत रोने की आवाज आने लगी। तो महाराज कहते अरे तू तो इतना अच्छा खाना पीना बनाया, तेरे घर में कोई दुख का समाचार है, कोई औरत रो रही है? तो तू बताए बगैर मैं खाना नहीं खाना। तो महाराज ये दुनिया है, ये संसार है, आप खाना खाओ। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे घर में जरूर दुख है और तू बताए बगैर मैं खाना नहीं खाना। तो बाद में आप क्या करें महाराज, कैसे उपवास जाना अच्छा नहीं, बोल के उसने ये सारी स्टोरी बताई, कहानी बताई। 20 साल पहले जब मिलिट्री में था उस जमा उस समय की बात बताई। दो दिन कहता है कि महाराज जिस समय हम और आप मिलिट्री में थे, हम दुकान रखा था, उस समय एक सिपाही मेरे पास पेमेंट जमा करता था और अकस्मात वो चला गया और फिर वो लौट के उसके कोई घर वाले भी नहीं मिले और मैं लौट के आके यहाँ पे दुकान रखा गांव में और घर बनाया, शादी किया और शादी होने के बाद 2 साल बाद बच्चा पैदा हुआ, एक ही लड़का, मैंने पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया। और वो जैसे ही 16 साल में उसकी शादी करते वो बीमार मलेरिया की चपेट में आ गया।
और इस तरह से एक महीना इलाज करने के बाद उसके ठीक नहीं हुआ, तो बाद में मरने के समय वो ये बात कह के गया कि मैं वही सिपाही हूं जो तुम्हारे पास मैं 2000 रुपया तोड़ के गया था, आज मेरा पैसा वसूल हो गया, मैं जा रहा और कहता है कि वो घर में जो रो रही वो तो ये सब बता के सारी कहानी बता के वो बनिया कहता है कि महाराज आप खाना खाओ, ये दुनिया है, अब मर गया सिपाही और रोती है घोड़ी, अब मैं किसके लिए रो। तो बनिया कहता है कि महाराज अब मर गया सिपाही और रोती है घोड़ी, मैं किसके लिए रो, आप खाना खाओ महाराज। तो कहते भाई ऐसा ही हमारा सारा संबंध है, ये जो बाल बच्चे कुटुंब परिवार ये पिछले कर्मों का जन्मों का हिसाब किताब लेन देन का बाकी रह जाता है ना, और कैसे कैसे हो जाता है जान अनजान है। ऐसे ही लोग एक कुटुंब परिवार के रूप में जमा हो जाते हैं, कोई बेटा बन के आ जाता है, कोई बेटी बन के आ जाती, कौन कर्जदार, पहले खर्चा दिए हुए लोग हैं वसूल करने के लिए आए हुए, कुछ दया दक्षिणा नहीं रखते हो। लेकिन जीव अज्ञान वसा तो दोस्त है वो माया जो कितनी जबरदस्त है, मेरा मेरे बच्चे मुझे नहीं देखते, मुझे नहीं करते, जब अगर देना होता है तो प्रेम भी करते हैं, अभी लेना होता है तो प्रेम नहीं करते, बड़े कठिन भाव से पेश आते हैं वो, भाई क्यों पिछले जन्म में दिया है तो अभी वसूल करने के लिए आए हुए हैं, उनको क्या पड़ी है। तो ये ऐसे ही हमारे सारा संबंध है, ये सच्चा नहीं है, ये तो लेन देन का हिसाब किताब है, इसीलिए बात में कहते हैं दुनिया में रहो लेन देन का हिसाब किताब है, रुचि तो हो जाना है, काम तो करना है, लेकिन दुनिया का बन के नहीं, धोखा खाओगे मालिक का बन के उसका नाम सुमरण करते कहते हैं उसका याद करते हैं, मालिक का नाम सुमरण करते हुए करो जिससे आपका इस शरीर में आना सफल हो जाए, आपका यह लोग और पर लोग दोनों बन जाए। तो यही उपाय महात्मा बताते हैं, लेकिन कहते हैं कि महात्मा हमारे भले की करते हैं लेकिन कोई मान कोई नहीं मानता, कहना महात्माओं का कहना मानने वाला कौन है, फिर मन का ही कहना मानते जो हमारा शत्रु है। महात्मा कहते भाई देखो इस दुनिया में तुम्हारा शत्रु कोई नहीं, सब अपने ही भाई बंधु है, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे अंदर बैठा है, ओपन तुम्हारा मन, उसका कहना मत मानो, गुरु का कहना मानो, महात्माओं का कहना मानो, तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, मुक्त हो जाओगे। वचन न माने कर्ण न पकड़े फिर भर में धर्म पकड़ कर जूझे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन जीव को भरोसा नहीं आता, फोकट धर्म पकड़कर जूझे भोजन है सूरज शब्द विचार करते, जो सूरज शब्द का अभ्यास संत महात्मा में देते हैं उसपे विश्वास नहीं आता। महात्मा कहते भाई 2.5 घंटे रोजाना सवेरे उठ के 3 बजे से 6 बजे तक उस समय सब अच्छे नींद में होते हैं, सवेरे 3 बजे से जो है कि 2 घंटे तो बैठो सब नींद में पड़े रहते, आप उठे तो घर के मालिक की याद में बैठ जाओ, वो तो कोई काम धंधे का तो समय नहीं होता है, उस समय उठ के उस मालिक के नाम सुमरण से जुड़ो। तो कहते भाई बहुत अच्छा समय सवेरे का होता है, हम सो के उठे होते हमारा मन शांत होता है और शांत मन ही परमात्मा के ध्यान के लायक होता है, और जैसे जैसे दिन चढ़ता है मन चंचल होते जाता है, उसमें और भी याद संकल्प विकल्प होते जाते हैं,
तो सवेरे का समय बड़ा अच्छा समय होता है। करते रहे उस समय उस मालिक के सुमरण से, सुर शब्द के अभ्यास से बैठो, मालिक के नाम सुमरण से जुड़ो तो बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन फिर भी करते मन धोखा देता है। देखो अगर हमारे सत्संगी भाई कभी सत्संग सुन के इनमें भावना भी पैदा होती है कोई बैठना चाहिए, प्रार्थना करते बैठना चाहिए, और हम रात को संकल्प करके सोए तो सवेरे ऑटोमेटिक हमें नींद भी खुल जाती है क्योंकि उठा भी देता है मन। लेकिन हम उठते हैं हमारे साथ मन भी उठ जाता है और वो वकील का काम करने चालू कर देता है। ये अभी बहुत रात पड़ी हुई है, एक घंटा छोड़ के उठे तो होता है, नहीं तो आज सर वजन है, कमर में दर्द है, या तो शरीर भारी है, कुछ ना कुछ बहाना वकील का काम करने लग जाता है मन ही। अब इसका कहना सुन के अगर सो गए फिर चाय काफी को उठाना पड़ता है, फिर क्या कहते हैं कल कर लेंगे। तो कहते भाई जो आज मन है वो कल मन है ही है अंदर। तो इसीलिए कभी साहब कहते हैं काल कर सो आज करो, आज कर सो अब, पल में पलना होएगा तो काल करेगा कब। कहते भाई जो कल करना है वो आज कर लो, आज करना है अभी कर लो, क्योंकि ये श्वास का कोई भरोसा नहीं है कि ये श्वास अगर बंद हो गया तो चार आदमी की जरूरत पड़ती है उठाने के लिए। एक आदमी से भी उठता नहीं है, चार आदमी की जरूरत पड़ती है। तो कहते भाई कल का भरोसा नहीं, आज अपने हाथ में, कल काल के हाथ में, कल जो है काल के हाथ में, आज ही अपने हाथ में, कल का भरोसा नहीं। इसीलिए महात्मा कहते भाई इस तरह से, क्योंकि भक्ति का मेन क्या है, भय और भाव। संतों के चरणों में सच्चा भाव होना चाहिए और मृत्यु का डर होना चाहिए। अगर मृत्यु का डर नहीं है तो भक्ति नहीं होगी कि भाई मृत्यु हमारे सिर पे बैठी है, ना मालूम कब ये उठा ले, आज हम आए कल रहेंगे या नहीं। मृत्यु का डर होएगा और सद्गुरु के चरणों में सच्चा भाव होएगा तो ये भक्ति होगी। भय और भाव के बगैर भक्ति नहीं होती है। जैसे पक्षी के दो पंख होते हैं, दोनों पंख बराबर होंगे तो ही पक्षी उड़ता है, ऐसे भय और भाव ये दोनों होंगे तो भक्ति आगे बढ़ती है, नहीं तो मन धोखा दे जाता है, भक्ति नहीं करने देता है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि हमेशा जीव मन का सुनता है।